नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर लोकल ट्रेन को लेकर। आखिरकार एक लंबे समय के बाद अब आपका इंतजार खत्म हो रहा है। जी हां दोस्तों, एक दिन के बाद यानी कि 1 सितंबर से आप सभी के लिए लोकल में अनुमति मिल सकेगी। जी हां, फर्स्ट डोज वालों के लिए। अभी तक सरकार के द्वारा जिन्हें लोकल में अनुमति दी गई थी वो सिर्फ 2 डोज लगवाने वाले लोग और एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग ही शामिल थे। और सरकारी कर्मचारी यानी कि जो सरकार में काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों को लोकल में अनुमति है। लेकिन विवाद इस कदर बढ़ गया कि अब विवाद कोर्ट तक जा पहुंचा। जी हां, अब बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जो है इसका मसला पहुंच चुका है और अब इसके ऊपर फैसला जो है कोर्ट देगा कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने जिस नियम को यानी कि जो कोरोना की डोज यानी कि जो स्टेटस देखकर अनुमति देने का जो विचार है वो कितने हद तक सही है। क्या वाकई में लोगों को लोकल में अनुमति देने का जो मेन आधार है वो सिर्फ ये है कि आपने अगर 2 डोज लगवाई है तो आपको अनुमति है और नहीं लगवाई तो आपको अनुमति नहीं है। तो इस मुद्दे पर फिलहाल सरकार के पास जो है अब क्या जवाब है ये अब कोर्ट फैसला करेगा। और कोर्ट के अनुसार जो बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड कि आम जनता के फेवर में ही बयान आने वाला है। जी हाँ, और क्योंकि आम जनता लंबे समय से परेशान है, BST की बसों में लोग सफर कर रहे हैं, कोरोना वहाँ से नहीं फैल रहा है, लोग प्राइवेट ऑटो से सफर कर रहे हैं। आपने देखा होगा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे चाहे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, तमाम हाईवेज पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है लेकिन कोरोना वहाँ से नहीं सिर्फ लोकल से फैल रहा है। तो दोस्तों 1 सितंबर से एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट डोज वालों को लोकल में सुबह से अनुमति मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही,